नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिल गई है। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर दिया है। ये भी बता दें कि यूपी का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला ये एयरपोर्ट है। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिलेगा। वहीं इसके बाद पीएम मोदी महापरिनिर्वाण मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, साथ ही महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा की। इसके अलावा भगवान बुद्ध को चीवर भी दान किया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तो आज जिस तरह से लगातार सियासत गर्मा रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस सियासत को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है, और ये चुनावी बिगुल अब कुशीनगर से फूंका गया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुशीनगर को एक बहुत बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है, जिससे वहाँ पर रहने वाले लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ जो उद्यमी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता हुआ नज़र आएगा, कनेक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा यहाँ मिलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर की जनता को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता है, हर मुद्दे पर सरकार को घेरता है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि निरंतर प्रदेश का विकास होता रहे। आगरा में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वाल्मीकि जयंती के मौके पर प्रियंका गांधी अरुण वाल्मीकि के परिवार से मिलने आगरा जाना चाहती थी, लेकिन उनको आगरा टोल पर ही रोक लिया गया। बता दें कि प्रियंका गांधी आज लखनऊ से आगरा के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उनके काफिले को बीच में रोक लिया गया। साथ ही इस दौरान प्रियंका को हिरासत में भी ले लिया गया है, और आगरा में धारा 144 लगा दी गई है। तो आगरा की तस्वीरें, प्रियंका गांधी के काफिले को यहां पर रोका गया, इसके बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया है। इसके साथ ही आगरा में धारा 144 भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पुलिस हिरासत में अरुण वाल्मीकि की मौत हो गई थी, जिसके परिवार से मिलने के लिए प्रियंका गांधी रवाना हुई थी, लेकिन उनके काफिले को बीच में ही रोक दिया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर ट्वीट कर कहा है कि भाजपाइयों ने इस एयरपोर्ट की एक ईंट तक नहीं लगाई, और अब सपा के कामों का उद्घाटन करने के लिए कैंची, फीता, माला और मिठाई लेकर आ गए हैं। अखिलेश ने ट्वीट किया कि जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी उन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई लेकर अपनी कैंची, फीता और माला। अखिलेश यादव ने आगे लिखा है कि भाजपा ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। ये यूपी का तीसरा और सबसे लंबा रनवे वाला एयरपोर्ट है, और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों, उद्यमियों को लाभ मिल रहा है, लेकिन शायद ये सपा को रास नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम हमने करवाया और भाजपा ने एक ईंट भी नहीं लगाई, और फिर भी वहां पर उद्घाटन कर दिया गया है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट रिपोर्ट दाखिल करने में देरी कर यूपी सरकार को जमकर फटकार लगाई है। सीजीआई एनवी रमना ने कहा है कि हम कल रात 1 बजे तक इंतजार करते रहे, लेकिन आपकी स्टेटस रिपोर्ट हमें अभी मिली, जबकि पिछली सुनवाई के दौरान हमने आपको साफ कहा था कि कम से कम एक दिन पहले हमें स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। इसके आगे सीजीआई ने कहा कि लखीमपुर खीरी घटना की जांच से यूपी सरकार अपने पैर खींच रही है। कोर्ट ने पूछा कि आपने कहा कि 4 गवाहों के बयान लिए गए हैं, लेकिन बाकी गवाहों के बयान को अब तक क्यों नहीं लिया गया। फिलहाल कोर्ट ने मामले में 26 अक्टूबर तक सुनवाई टाल दी है। तो लखीमपुर हिंसा मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई आज, लेकिन इस दौरान सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा नाराज राज्य सरकार से नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्टेटस रिपोर्ट पढ़ने में टाइम लगता है, एक दिन पहले ही कहा गया था कि स्टेटस रिपोर्ट मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी 2 घंटे पहले स्टेटस रिपोर्ट भेजी गई।
आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अब सियासी रूप लेता जा रहा है। बता दें कि ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ट्वीट पर ट्वीट करती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि इस दौरान प्रियंका गांधी परिवार से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे रोक दिया गया। तो प्रियंका गांधी का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अब सियासी रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। किसी को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार देना कहां का न्याय है, ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें लगातार हिंसात्मक होती हुई नजर आ रही हैं। तो आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत का मामला अब सियासी रूप लेता हुआ जा रहा है। बता दें कि इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद अब प्रियंका गांधी का भी ट्वीट सामने आया है, जहां से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। देश में सियासत जोरों पर है, तमाम मुद्दों को लेकर लगातार सियासत देखी जा सकती है। अभी लखीमपुर खीरी का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब आगरा का मामला सामने आ रहा है और कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से पुलिस कस्टडी में एक शख्स की मौत हो गई, इसके बाद से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है कि आगरा पुलिस कस्टडी में अरुण वाल्मीकि की मौत की घटना निंदनीय है और भगवान वाल्मीकि जयंती के दिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अनेक संदेश दिए, लेकिन इसके बावजूद भी उनके संदेशों को नजरअंदाज लगातार किया जा रहा है। तो पुलिस कस्टडी में मौत पर बीजेपी को घेरती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। हालांकि आगरा जाने से पहले ही, परिवार से मिलने से पहले ही प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है और आगरा में धारा 144 लगा दी गई है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आखिर सरकार को इससे क्या आपत्ति है। तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखें। उसको पुरजोर कोशिश के बावजूद भी रोका जा रहा है। वहीं निषाद जन चेतना रैली को संबोधित करते हुए गाजीपुर पहुंचे मुकेश साहनी ने एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने यूपी में आगामी चुनाव को लेकर यूपी में 165 सीटों पर वीआईपी पार्टी लड़ाने की बात की है। वहीं इस दौरान मंत्री मुकेश साहनी ने जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की हत्याओं को लेकर कहा कि इस मुद्दे पर बिहार सरकार गंभीर है। तो गाजीपुर की तस्वीरें, गाजीपुर पहुंचे मंत्री मुकेश साहनी, जहां पर वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि वीआईपी 165 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरीके से हमारे बिहार के भाई को जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हत्या किया जा रहा है, तो ये इसके लिए हमारे सरकार गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में है, बात कर रहे हैं, और देश के गृह मंत्री जी भी और हमारे प्रधानमंत्री सब गंभीर हैं। इस पर जो भी विषय होगा सरकार का संज्ञान में है, इस पर काम होगा। और परसों ही हमारे पास 21 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं बिहार में। हम लोग चाहेंगे कि उनसे भी इस पे विषय पे हम लोग बात करें और लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखा जाए और जो लोग गलत करें उनको जवाब दिया जाएगा। तो इस पे तो हमारे राष्ट्र को पहले से ही एकदम कहते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे भी घटना होता वहाँ पे जवाब देने के लिए सरकार सक्षम है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सांसद ने पीएम के भ्रष्टाचार राष्ट्र की प्रगति में बाधा है वाले बयान पर कहा कि पीएम मोदी ये बताएं कि इस देश में हुए कुंभ स्नान घोटाला, बच्चों के वेंटिलेटर में घोटाला, जल जीवन शक्ति मिशन घोटाला और मासूमों के मिड डे मील में भी घोटाला हुआ है और उस पर कार्रवाई कब की जाएगी।
आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश में पैर पसारने की, तो ऐसे में प्रदेश सरकार को घेरने का मौका कोई भी हाथ से जाने देना नहीं चाहती। आगरा पोस्टमार्टम हाउस के बाहर मृतक अरुण के परिजनों से मिलने पहुंचे कांग्रेसियों ने वाल्मीकि समाज के लोगों की झड़प हो गई। इस दौरान हुई इस झड़प पर मृतक के परिजनों ने कांग्रेसियों को धक्के देकर जाने को कहा। वहीं इस मामले को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस इस मामले में माहौल खराब करना चाहती है। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों में खासा आक्रोश देखने के लिए मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से इनकी झड़प होती हुई भी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम हाउस के बाहर तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंच गए। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और कार्यकर्ताओं को परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। श्रावस्ती में बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष की खुलेआम गुंडई सामने आई है। बता दें कि यहां एक दुकान के सामने बीजेपी नेता हरिओम तिवारी ने जबरन अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, जिसके बाद दुकानदार ने उन्हें गाड़ी खड़ी करने से मना किया, जिस पर बीजेपी नेता ने दुकानदार को मारने पीटने की धमकी दी। वहीं इस मामले की जब एक पत्रकार ने वीडियो बनाई तो नेताजी ने उन्हें भी नहीं बख्शा और उनको भी धमकी दे डाली। वहीं नेताजी का धमकी देते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तो श्रावस्ती की तस्वीरें, वहीं जनपद में बस की छत पर सवार होकर शामली से कुछ तस्वीरें सामने आई है, जहां पर स्कूल के लिए जाना उन लोगों को महंगा पड़ गया जो बस की छत पर सवार होकर दर्जनों की संख्या में ग्रामीण छात्र शहर के किसान इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बस औद्योगिक क्षेत्र गांव कर्नेला बस स्टैंड के पास पहुंची तो ऊपर से गुजर रही 33,000 की बिजली की लाइन की चपेट में बस की छत पर बैठे दो छात्र आ गए। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों छात्रों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने एक छात्र को मृत घोषित कर दिया जबकि दूसरे छात्र का इलाज एक निजी अस्पताल में जारी है। शामली की तस्वीरें, जहां पर छत के ऊपर बैठकर कुछ छात्र सफर कर रहे थे लेकिन हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई है, एक की हालत बेहद गंभीर है। ये कंडेला गांव से स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में बस के ऊपर छत पर बैठे हुए तो ऊपर से कहीं 11,000 की लाइन जा रही थी बिजली की, तो उससे टकरा के ये सत्यम नाम का जो दोनों लड़के थे दोनों नीचे गिर गए और जो हमारे स्थिति में सीएससी शामली में करीब 8:15 करीब आए थे तो ये ब्रॉड डेड आया हुआ था। सत्यम पिताजी का नाम लगभग करीब 18 ब्रॉड डेड आया था यहाँ से पुलिस लेके आई थी। दूसरे बंदे के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, वो ना हमारे यहाँ आए लेकिन लोग बता रहे हैं कि दो बच्चे रुक गई थी जी ऊपर से डे तो ऊपर तारों में हाथ लग गए, एक का सिर लगा। अच्छा, तो ऊपर गिर गए ऊपर से नीचे ले गए। क्या क्या नाम है इनके? एक का सत्यम है जी, एक का लाखन। अच्छा, क्या हुआ फिर? भाजी फिर बस वाला जी ऊपर से नीचे था कि बस वाला ले गया बस। और इन छात्रों का क्या हाल है? छात्र जी एक तो एक्सपायर हो गया, ठीक है। क्या नाम है जो जिसकी मौत हुई है? सत्यम है। कहाँ का रहने वाला है? कंडेला। और दूसरा कौन है जो घायल है? वो भी कंडेला का ही है। संभल में अनूप शहर गांव मार्ग पर बाइक की टक्कर से 28 साल की एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि हादसा रजपुरा थाना इलाके में बुधवार सुबह उस समय हुआ जब माया नाम की महिला घर की साफ सफाई करने के बाद सड़क किनारे कूड़ा फेंकने गई थी। उसी समय सड़क पार करते समय बाइक सवार ने महिला को जोरदार टक्कर मार दी, इससे महिला की मौके पर ही जान चली गई। तो संभल की तस्वीरें, सड़क हादसे में महिला की मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल सड़क पार करते हुए यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सहित कई राज्यों में दो दिनों की आसमानी आफत के बाद उफनती नदियां कहर ढाने लगी हैं। वहीं इस बारिश के चलते रामपुर में उफनाई कोसी नदी पर लालपुर में बना स्थायी पुल बह गया, जिसमें दड़ियाल में 6 लोग कोसी नदी के पानी में बह गए। वहीं इस हादसे में 5 लोगों को बचा लिया गया है जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। फिलहाल प्रदेश में इस आसमानी बारिश को देखते हुए प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे 32 गाँवों को हाई अलर्ट पर रख दिया है।
रामपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कई गांवों का हाल इसी तरह से देखा जा सकता है। भारी बरसात की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं, कई लोगों के आशियाने पूरी तरह से धराशाही हो गए हैं। फसलों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अंदर इतना सारा पानी बढ़ गया, ये कम से कम 100-150 परिवार अंदर रहते हैं। अगर थोड़ा पहले अलर्ट कर दिया जाता तो लोग अपना सामान या खुद आ जाते हैं। लोग बहुत बड़ी दिक्कत में आ गए। कुछ लोगों का कहना है कुछ लोग बेहतर भी जाते हुए गए आया ना, अभी नहीं लगा कैसे नहीं किसी ने इंतजाम के लिए तुम्हारा पुलिस वालों से कहा, उन्होंने भी नहीं हमारे कहने लगी। पानी कितनी तेजी से पड़ रही है, पानी बहुत तगड़ा पड़ लिया, खड़ा पानी पड़ लिया। अरे तो कोई कहीं तुम्हें सुरक्षा की दृष्टि से सड़क पर है अभी तक तो ठीक है। आगरा में अनियंत्रित होकर अचानक बाइक पलटने से सड़क हादसा हो गया, जिसमें बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। तो आगरा में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। फिलहाल आसपास के लोगों ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। बिजनौर में गरीब रिक्शा चालक को बेवजह मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने से नाराज होकर रिक्शा चालकों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। रिक्शा चालकों ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर बुधवार शाम तक पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी और चौकी इंचार्ज योगेश चौधरी को सस्पेंड नहीं करते तो गुरुवार सुबह 6 बजे से 24 घंटे तक के लिए हड़ताल की जाएगी। बता दें कि पीड़ित चालक मंगलवार को अपने ई रिक्शा से सवारी लेकर जा रहा था। इसी बीच उसके रिक्शा एक स्कूटी से टकरा गई, जिसके बाद स्कूटी चालक ने रिक्शा चालक को बुरी तरह से पीट दिया। वह इस मामले के बाद सभी रिक्शा चालक अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचे, जहां स्कूटी चालक को बुलाया गया, लेकिन स्कूटी चालक अपने किए पर शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा रिक्शा चालक को धमकी देकर चला गया। इस दौरान चौकी में खड़ी पुलिस मौन दिखाई दी, जिसकी वजह से आक्रोशित होकर रिक्शा चालकों ने मामले में कार्रवाई न करने पर हड़ताल की चेतावनी दी है। आरोपी को सम्मान उसको थाने लाए और क्या सम्मान उसको छोड़ दिया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि आरोपी पर अपने साथी की हत्या का आरोप लगा है और वो मामले में काफी समय से फरार चल रहा था। खबरों की माने तो आरोपी ने पैसे के लेनदेन को लेकर अपने साथी की हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश अपने ही साथी की हत्या करके फरार था। हमीरपुर में सिपाही के बेटे का अपहरण कर बदमाशों ने 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की है। बताया जा रहा है कि सिपाही का बेटा रविवार को कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद से वो घर वापस नहीं लौटा। वहीं मंगलवार की शाम सिपाही के फोन पर आरोपियों ने मैसेज कर फिरौती की मांग की और पैसे न मिलने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो सिपाही के बेटे का यहाँ पर अपहरण कर लिया गया। बताया जा रहा है कि कोचिंग के लिए वो निकला था लेकिन घर वापस नहीं लौटा। कानपुर में अवैध असलहा और कारतूस के साथ यूपीएटीएस और बाबूपुरवा पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वह इसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब हो गया। पकड़े गए तस्कर के पास से प्रतिबंधित 6 पिस्टल, 20 कारतूस समेत कई सामान बरामद हुए। बताया भी जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी काफी लंबे समय से असलों की तस्करी किया करता था, जिसके बाद पुलिस सतर्कता दिखाते हुए कानपुर के जगरकट्टी बस स्टैंड से उसे गिरफ्तार करने में सफल हुई है। श्रावस्ती में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं इस मौत की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले में विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लगाया। वहीं इस दौरान मृतक महिला के ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार हैं। फिलहाल मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
तो श्रावस्ती में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। ग्रेटर नोएडा की दादरी थाना पुलिस ने एक युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक के दोस्त को ही गिरफ्तार किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि शराब पीने के बाद रद्दी के बंटवारे को लेकर दोनों दोस्तों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी ने डंडे से पीट पीट कर दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और शव को पुरानी तहसील में छोड़कर फरार हो गया था। मामले की छानबीन में पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। थाना दादरी अंतर्गत आज एक अभियुक्त विशाल गिरफ्तार किया गया है। 18 तारीख को मनोज 40 वर्ष जिसकी उम्र है, उसकी पुरानी तहसील की पुरानी बिल्डिंग में इसकी डेड बॉडी मिली थी। घटनास्थल का निरीक्षण फोरेंसिक की टीम द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया था। जब इसमें गहन पूछताछ की गई, सभी बिंदुओं का परीक्षण किया गया तो ज्ञात हुआ कि विशाल ने मनोज को बुला करके अपने साथ विशाल ले गया और वहां पर दोनों बैठ के शराब पिए। वहां पर रद्दी के कागज ये लोग बेचने के लिए इकट्ठा करने लगे। इसी बीच में दोनों में कहासुनी हुई। बाराबंकी में अचानक भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद कचहरी परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कचहरी परिसर में तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही चेकिंग पॉइंट और परिसर में विशेष सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कचहरी परिसर में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की सघन चेकिंग भी कराई गई है। मथुरा के वृंदावन स्थित रामकिशन मिशन हॉस्पिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों की सेवा काफी दिनों से करता चला रहा है, जिसमें सालों से गरीब लोगों को काफी किफायती इलाज मुहैया कराया जाता है। वहीं अब यहां रामकिशन मिशन के पदाधिकारियों की ओर से नवजात बच्चों के लिए बहुत ही बड़े लेवल पर इलाज मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए यहाँ पर NSI वार्ड की शुरुआत की गई है। यहाँ पर उन बच्चों को बेहतर इलाज मिलेगा जिन्हें इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवा की जरूरत होती है। वहीं बुधवार को इस वार्ड का उद्घाटन करने के लिए SP सिटी MP सिंह अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने इस वार्ड का उद्घाटन किया। जैसा कि आप लोग अवगत हैं कि रामकृष्ण मिशन की सेवा के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में मथुरा ही नहीं बल्कि इस जोन में एक बड़ा नाम है, और इनकी जो मेडिकल सेवाएं हैं वो ए ग्रेड की और उच्च स्तर की हैं। इसी को आज इन्होंने थोड़ा सा विस्तार देते हुए छोटे बच्चे न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक इन्होंने NSIU शुरू किया है, और जो कि हमें लग रहा है कि इस जोन का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक NSIU जो है, इसकी आज इनके द्वारा शुरुआत की गई है। रामकृष्ण मिशन अपने आप में सेवा के लिए ही पूरे विश्व में जाना जाता है, और उस सेवा को एक नया आयाम आज यहां प्रदान किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।